नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। हर चीज आप है टेक्निकल छोड़ो चंदो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से। जी हाँ, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहीं भी RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही आवेदन करके और कुछ क्वेश्चन के सही आंसर देके अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव ड्राइविंग लाइसेंस बना के पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए फिर वीडियो शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लाइव दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक नहीं करिए, लाइक कर दिए, वीडियो लाइक करो थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मजा आता है लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं parivahan.gov.in। इस पोर्टल पर आएंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर लर्नर लाइसेंस का और उसके नीचे मोर का बटन मिल जाएगा, तो सिंपली मोर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पहला ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली हम पहले लर्नर लाइसेंस बनाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि कितने स्टेप में कंप्लीट होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 स्टेप लिखे हुए हैं। अब नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कैटेगरी बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्ट है, इसके ऊपर आप चेंज करना चाहें कैटेगरी तो अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जनरल ही रखता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लीकेंट नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, तो ये पहला वाला ऑप्शन टिक है बाय डिफॉल्ट और यही टिक रखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे अपना जो है RTO ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है। कई जिले में डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक RTO होते हैं, तो जो भी आपका RTO होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो उस RTO में जितने भी यहाँ पे सुविधा सेंटर वगैरह दिए गए होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा, तो अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेवा केंद्र या फिर RTO का ही नाम आएगा तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे ये इशू होगा लर्नर लाइसेंस। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है या टिक करने के बाद में। अब आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन, तो अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आधार से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। इसमें क्या है कि आपके आधार से लिंकड मोबाइल नंबर होना चाहिए तभी आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अब इसे वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आधार नंबर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर जो हम डाल देंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, नंबर पे हमारे OTP आ जाएगा और वो OTP यहाँ पे इंटर OTP हेड पर डाल देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे 3 बॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे तीनों पढ़ के आपको टिक कर देना है। और नीचे आएंगे फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अब ऑथेंटिकेट करते ही हमारे सामने जो हमारी आधार की डिटेल है वो यहां पे दिख जाती है, आपको चेक करना है कि आपकी आधार डिटेल सही है। उसके बाद प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब प्रोसीड करते हैं, हमारे सामने दूसरा पेज खुल के आता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको बाकी चीज़ें सिलेक्ट रहेंगी, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ अपना जो है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप कितना पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो आप जितना भी पढ़े लिखे होंगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपको ब्लड ग्रुप अपना पता है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वरना छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है। उसके बाद कोई लैंडलाइन नंबर अपना देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर आप अपना देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। मोबाइल नंबर देना जरूरी है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एक डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं अल्टरनेटिव तो वो भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद आपके चेहरे हाथ में कोई निशान वगैरह है तो यहाँ पे आप जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पर क्लिक करके यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ग्रीन के नीचे जो लिखा है वही एड्रेस आपके जो है ड्राइविंग लाइसेंस में प्रिंट होके आएगा, तो यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे, विलेज ऑन
टाउन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना एड्रेस में, और इसके बाद नीचे आएंगे, बाकी चीज़ें सिलेक्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट आधार से ले लेता है, और नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पे आप कितने दिनों से रह रहे हैं। कई लोगों क्या होता है कि जन्म कहीं और होता है और रहते कहीं और हैं, तो ऐसे में जितने दिनों से आप उस एड्रेस पर रह रहे होंगे वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपका जन्म स्थान ही वही है तो जितने साल के आप हुए होंगे वो यहाँ पर आप डाल देंगे, जितने साल जितने मंथ के। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एड्रेस बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा आधार से, और अब हम नीचे चले आते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से वाहन का, कौन से गाड़ी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे कई सारे लिस्ट खुल जाता है, तो जो भी आप चलाना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मोटरसाइकिल, और उसके बाद कार चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल LMV ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका ही लाइसेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं 2 का लाइसेंस लेना चाहता हूँ मैं मोटरसाइकिल और कार का, तो 2 सिलेक्ट कर लिया हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ओके करते हैं, यहाँ पे नीचे भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कॉप्स पर। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है एक बार, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ वाले पर क्लिक कर देना है यहाँ पे एक बार, और फिर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा जो भी आप ऊपर सिलेक्ट किए होंगे। उसके बाद दोबारा टिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से कोई ड्राइविंग सीखे हैं तो इस पर टिक करेंगे, और फिर कौन सी गाड़ी आप चलाना सीखे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसे अनटिक ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे, मतलब यस और नो का जवाब दे के। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में आपके पूछेगा तो यहाँ पे आपको टिक करना है यस और नो। तो जैसा मैं टिक कर रहा हूँ ऐसे आपको टिक कर लेना है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो लाइसेंस बनवाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे यस और नो में जवाब आपको देना, टिक कर देना है। तो जैसा यहाँ ध्यान से देख लीजिए, जैसे मैं टिक कर रहा हूँ इसी तरह से आप टिक कर सकते हैं। और उसके बाद सभी पर टिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे और फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, और यहाँ पे अब हम बैक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कि अगर इन केस आपका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो आप अपना जो है अंग डोनेट करना चाहेंगे, यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं नो ही रखता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे टिक कर देंगे और फाइनली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट करते ही हमारे सामने एक इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है कि आपका पहले से अगर आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आप ऐसा ना करें, अगर पहले से सेंड है तो आप दोबारा सेंड ना करें, यहाँ ओके ओके कर देंगे सबमिट करने के बाद। और यहाँ पे आ चुका है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारा जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, ओके करते हैं, इस तरह से आ जाता है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है हमारे स्क्रीन पे। अब हमारा एड्रेस और RTO का एड्रेस देख जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते ही हमारे सामने इस तरह से आता है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट डल जाता है। अगर नहीं डलता तो एप्लीकेशन नंबर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट कर देना है, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है सबमिट हो चुका है डिटेल, लेकिन अभी यहाँ पे हम आएंगे स्टेज टू बी कंप्लीटेड में, इसमें हम आएंगे। देखिए लर्निंग लाइसेंस हमने बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ, ये यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्टेड डिटेल में। स्टेज टू बी कंप्लीटेड में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल कम्प्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन डिटेल जो हमने फिलअप कर दिया कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने को। अब यहाँ पे इस पर टिक रखेंगे और इसे हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे टिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फोटो हमारा दिख रहा है, पहले से फोटो अपलोड है इस पर, तो फोटो अपलोड इसलिए है क्योंकि आधार वाला फोटो इसमें आ चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नेचर हमें ऐड करना है, मतलब सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटो यहाँ पर देखिए फोटो वाला ऑप्शन हिडन है, और जो सिग्नेचर वाला है इसे हम ब्राउज पर क्लिक करके अपने जो है गैलरी से एक, पहले तो हम ब्लैंक पेपर पे अपना सिग्नेचर करेंगे और उसको रिसाइज करेंगे 10 से 20 KB में। आप गूगल पे जाके रिसाइज कर सर्च करके कर सकते हैं अपने इमेज को, ठीक है। रिसाइज करेंगे 10 से 20 KB के बीच, उसके बाद उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे ब्राउज पर क्लिक करने के बाद। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे अपलोड एंड व्यू फाइल पर सिंपली क्लिक कर देंगे,
यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर देखेंगे हमारा जो है सिग्नेचर इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। अब सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो चुका हमारा, अब नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेव करेंगे इसको। अब सेव करते ही हमारा जो है ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम ओके करके सेव कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए अपडेटर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते ही हमारे सामने दूसरा पेज आएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट डाला जाएगा, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, नहीं डाला होता तो डाल देना है। अब यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फ़ी पेमेंट करना है, पेमेंट हमें जो है फीस इसकी जो होती है वो करनी है, तो यहाँ फी पेमेंट पर टिक रखेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड करते ही हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा और हमें यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट सभी स्टेट के अलग अलग पेमेंट होती हैं, तो आप जिस भी राज्य के होंगे वहाँ पे पता चल जाएगा कितना पेमेंट करना है। जैसे कि हमारे सामने इस तरह से आ चुका है और यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखा है 520 रुपये, हमें 520 रुपये जो है इसकी पेमेंट करनी होगी, जो इसकी फीस है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए कितना चार्ज ले रहा है, या डिटेल में आप देख सकते हैं। अब पेमेंट करना है तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन स्टेट का सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो लिखा है पीली पट्टी में, कैप्चा डाल देंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपने आप डाल जाता है। अब इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। और अब हमारे सामने दूसरा पेज आता है इस तरह से। अब यहाँ पे हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे पेमेंट के लिए। अब कंटिन्यू करते ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और NEFT, RTGS, व्हाट्सएप पेमेंट, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके हम पेमेंट कर सकते हैं। मैं UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना UPI से पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, UPI सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फ़ोनपे सेलेक्ट करता हूँ, फ़ोनपे से अपना जो है आईडी डाल के रिक्वेस्ट चला जाएगा हमारे उस पर, और पेमेंट यहाँ पे हम डन कर देंगे। देखिए 520 का रिक्वेस्ट आया, पेमेंट होने के बाद में यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट जो है स्लिप, रिसिप्ट अपना प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो कैप्चा डाल के प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, वरना यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं और फिर से यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर डल जाता है, कैप्चा डालता हूँ, अगर नहीं डलता तो डाल देना है आपको। अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से दोबारा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आता हूँ, ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखिए अब ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीटेड, यहाँ ट्रांजेक्शन नाम में देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, सभी कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है, डेट भी दिखा रहा है। अब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फाइनली जो है लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉच रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मैंडेटरी जो वीडियो है यहाँ क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ 12 मिनट का लगभग वीडियो चलेगा, बिना स्किप किए वो वीडियो देख लेना है। और उसके बाद में आपको टेस्ट देना होगा लर्निंग लाइसेंस का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कैसे टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर ही देने होते हैं, अगर इसमें ही बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप दूसरा वीडियो हमने बनाया हुआ वो वीडियो आप देख सकते हैं और टेस्ट अपना देख के अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है घर बैठे ही बनवा सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में थैंक यू।